हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। कैसी हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये देखिए मैंने बनाई है यहाँ पर चाय, क्योंकि आज हमने अनाज को साफ़ करवाया है। अम्मा जी को बुलाया था इनको, तो ये अनाज साफ़ कर रही है। आटा भी थोड़ा कम ही रह रहा था और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि गर्मियों में तो हम धुल लेते हैं गेहूँ, और इन दिनों जो धुल देंगे तो वो अच्छे से सूखेंगे नहीं। तो इनसे अम्मा जी से हमने साफ़ करा लिया था। अभी मैं दोपहर के खाने की कर रही हूँ तैयारी, और बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी है सर्दी की, तो इसी वजह से बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी से भूख लगती है। तो मैं आज थोड़ा जल्दी ही लंच की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने बनाए हैं वेज पुलाव। और वेज जो कुछ था मेरे पास वही मैंने डाल दिया है। सोयाबीन है जो मैंने भिगो के रख रखी है, शिमला मिर्च है, आलू है, और दो मैंने बड़े प्याज कट किए हैं, और टमाटर है, हरी मिर्च है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सरसों का तेल कुकर में चढ़ा दिया है, और तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हमने डाल दिया है जीरा और हींग। जीरा और हींग हमारे दोनों अच्छे से चटक चुके हैं। अब हम डाल देंगे इसमें दो बड़े कटे हुए प्याज, और प्याज को हम अच्छा मतलब कम ही भूनेंगे, उसका ना थोड़ा फ्लेवर आना चाहिए कच्चेपन का ही, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से लगते जैसे कि चाउमीन खा रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा हल्का ही भूनेंगे। और जो फिर हमारी सब्जियां हैं और सोयाबीन है, जो उनको हम इसमें डाल देंगे। सोयाबीन पानी में से निकाल लेंगे और अच्छे से उसको निचोड़ कर जब डालेंगे तो उसको भी हम तेल में ही फ्राई करेंगे, सब्जियों को भी और सोयाबीन को भी। तो जी हमारा प्याज अच्छे से हो गया था, क्योंकि हमें उसे ना गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही वो करना है, भूनना है। तो हमारा प्याज भून चुका था। अभी मैंने डाल दी है आलू और शिमला मिर्च जो मैंने कट करके रखी हुई थी, इनको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। इनका जो कच्चापन है वो खत्म हो जाएगा, और खुशबू शिमला मिर्च की ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और बहुत अच्छा लगता है जब ये खाते हैं सब्जी में। तो देखिए हमने फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे सब्जियाँ, प्याज भी, और जो हमारी शिमला मिर्च है, आलू, और आलू मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिए थे, शिमला मिर्च भी थोड़े छोटे छोटे कर लिए थे, क्योंकि हम पुलाव बना रहे हैं। अभी मैंने सोयाबीन ना पानी में से निकाल के निचोड़ लिया, सोयाबीन भी इसमें डाल के हम फ्राई करेंगे अच्छे से तेल में। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करते रहेंगे। सब्जियां भी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएगी और सोयाबीन भी। ये देखिए जी कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। सोयाबीन है, आलू है, और शिमला मिर्च है, और प्याज है। तो अभी ये सब डाल दिया है मैंने, और अभी इसके बाद डालेंगे हम टमाटर, जो हमने टमाटर कट करके रख रखा है, और हरी मिर्च, तो उसको डाल के हम फ्राई कर लेंगे। इसमें आप कितनी भी सब्जी ऐड कर सकते हैं, जितना आपका मन करे। मेरे पास तो नहीं थी, जितनी थी मैंने उतनी ही डाल के इसको बनाने की कोशिश की है, और यकीन माने बहुत टेस्टी लगती है, और बच्चे भी खुश होकर खा लेते हैं। और इस तरीके से ना मतलब बच्चे हर एक सब्जी खा लेते हैं, जो सब्जी को वो मना करते हैं, आनाकानी करते हैं ना खाने में। तो इस तरीके से बनाइए और सारी ही सब्जियाँ इसमें ऐड कर दीजिए, तो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो टमाटर भी डाल दिए है, और जो हमारे सूखे मसाले वो भी ऐड कर रही हूँ मैं। हल्दी डाल दी है मैंने, और पिसा हुआ धनिया पाउडर डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, और नमक ऐड करके इसको हम चलाते रहेंगे। हम अपने मसाले को भी ना इसमें अच्छे तरीके से भून लेंगे सब्जियों के साथ में। जब हमारा मसाला और ये सारी सब्जियाँ अच्छे तरीके से भून जाएगी ना, तो फिर इसमें हम अपने चावल ऐड कर देंगे। चावल मैंने 1 गिलास लिए है, और 2 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जी देखिए यहाँ पे हमारी सब्जियाँ मसाले बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुके हैं, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। चावल भी मैंने धुल के रख रखे हैं। ये देखिए जी 1 गिलास चावल है, और 2 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया है। बस कुकर का ढक्कन लगा देंगे, इसमें 1 सीटी आने देंगे, उसके बाद खोलकर आपको दिखाते हैं। और ये ना आप चावल में सोच रहे होंगे ब्लैक ब्लैक, ये काली उड़द वाली दाल थी, क्योंकि ये डब्बे में मिक्स हो गए था, तो इस वजह से। और ये देखिए हमने कुकर खोल लिया, और देखा कितने अच्छे से पुलाव हमारे बनके तैयार हुए हैं। कैसे लगे फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। और अच्छा खासा इसमें हमने मक्खन डाल दिया है, देसी घी।